अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी इंसाइडर्स। आप हमें फॉलो कर सकते हैं अपना इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक के ऊपर और फेसबुक के ऊपर। मुल्तान में मौजूद हैं लेकिन हमारी फिर भी कोशिश यही होती है कि जब भी हमें फारिग टाइम मिले हम आपके साथ कम्युनिकेट करते रहें ताकि आपको रियल स्टेट के हवाले से लेटेस्ट अपडेटेड इन्वेंट्री या कोई इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। हमसे भी कुछ लोग सवाल ये कर रहे थे कि DHA मुल्तान में जो इस टाइम 10 मरले की कैटेगरी है, दो सेक्टर्स है बेसिकली, B1 और U, दोनों में कौन सा सेक्टर कंपैरिजन बेहतर है फॉर इन्वेस्टमेंट और फॉर जो है कंस्ट्रक्शन वाइज। दोनों को डिस्कस हम करते हैं। बेसिकली सेक्टर जो B1 है वो हमारे पास बोस्टन रोड के करीब तरीन आता है और इस सेक्टर का फ़ायदा ये है कि जो लोग वहाँ से मेन सिटी से वहाँ पे करीब आते हैं वहाँ पे इनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि ये जो सेक्टर है बेसिकली इस टाइम जो है वो रोमांजा के करीब तरीन है और रोमांजा में जो एक क्लास कम्यूनिटी है उसके करीब छोटा प्लाट सिर्फ जो है वो B1 के अंदर आता है। और तीसरी एडवांटेज ये है कि इस टाइम जो इस सेक्टर का जो प्राइसेस हैं वो इस टाइम बहुत कम है। इस टाइम हमारे पास वो तकरीबन हमें जो 55 लाख से लेके कोई 65-70 तक वो हमें प्लॉट मिल जाते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है। प्लॉट की प्राइसेस कम है, यहाँ पे आप बेस्ट परचेजिंग भी कर सकते हैं क्योंकि इस टाइम मार्केट जब लो होती है तो हमें अपने क्लाइंट्स को या क्लाइंट्स को जो एंड यूज़र्स हैं उनके लिए बेस्ट चीज़ होती है परचेज़ करने की। और इस लो प्राइसेस को आप इन्जॉय करें क्योंकि इस टाइम जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो ये प्राइसेस जो चीज़ें हैं वो हमें दोबारा नहीं मिलती, तो इसलिए B1 सेक्टर जो है इसलिए बेहतर है कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल यहाँ पे डेवलप नहीं हुआ ना इसको अभी पोजीशन मिला है लेकिन प्राइसेस कम है, आप इसको इस सेक्टर को आप कभी इन्जॉय कर सकते हैं। अच्छा, मैं बात करूँ सेक्टर यू की। सेक्टर यू बेसिकली डेवलप सेक्टर है, इसको पोजीशन मिल चुका है और इसमें कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी है। इसका एडवांटेज ये है कि ये वाइस सेक्टर है 10 मरले का जो सिर्फ 300 फुट रोड के ऊपर है और ये जो हमारा मेन रोड है जो हमें जो इकबाल गेट है उसके ऊपर ये डायरेक्ट यहाँ पे इसके करीब एक्सेस है। इसके अपोजिट सेक्टर यू जो है हमारे पास, सेक्टर यू 10 मरला है, इसके अपोजिट हमारे पास जो विक्ट्री का 8 मरला है इसको भी पोजीशन मिलने जा रहा है। इसको आप मन करीब देखेंगे कि यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो यू के भी रेट्स डेफिनेटली बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सेक्टर यू का 10 मरला बेसिकली यहाँ पे जो अभी घर बनाना चाहते हैं या इनके पास जो की बात करूँ जो बिग थीम पार्क है, इसके साथ कमर्शियल्स हैं, इसकी मस्जिद हैं या इसकी जो लोकेशन है वो काफ़ी हॉट है और अभी आप इसको कंसिडर करें तो सेक्टर यू जो है B1 से थोड़ा सा महंगा इसलिए क्योंकि एक तो इसकी पोजीशन मिल चुका है और तीसरी चीज़ जो है कि इसका जो है इसमें जो लोकेशन है वो 300 फुट रोड के ऊपर है, तो डेफ़िनेटली ये चीज़ें इंपैक्ट करती हैं, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आज जो पोजीशन वाली चीज़ है, जो नेक्स्ट पोजीशन को चीज़ मिलेगी, डेफ़िनेटली दोनों में फ़र्क होगा। तो दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो सेक्टर यू जो है मेरे हिसाब से वो काफ़ी अच्छा सेक्टर है क्योंकि इसकी लोकेशन, इसकी अप्रोच और इसकी जो लिवेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। और सेक्टर यू जो वो सेक्टर है जो उसके सराउंडिंग में छोटे बड़े सेक्टर सारे ही मौजूद हैं, 8 मरला है, इसके साथ फिर 5 मरले भी हैं, इसके साथ फिर कनाल भी है, तो ये ज़बरदस्त यहाँ पे लिविंग होगी और यहाँ पे इसको कंसिडर करें। तो मैं सेक्टर यू में इससे हमारे पास प्राइम लोकेशन के प्लॉट्स अवेलेबल हैं, आप परचेजिंग करना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नीचे दिया हुआ है, आपसे किसी भी टाइम मुझसे ये व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पर रब्ता करें, आपके अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल रहनुमाई की जाती है। हमारी कोशिश यही होती है कि हमारी वीडियोज़ के थ्रू, हमारे फेसबुक के थ्रू आपको हमेशा बेस्ट रिजल्ट मिलता रहे और अल्हम्दुलिल्लाह हम DHA मुल्तान, DHA क्वेटा, DHA इस्लामाबाद और बैरियर टाउन इस्लामाबाद का वेरी इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। किसी भी क्वेरीज के लिए आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। और आप मेरा अगर चैनल पे न्यू हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए लेटेस्ट रियल स्टेट की इन्वेंट्री और अपडेटेड हम लेके आते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। इसलिए इसके वाला इसके बाद हम फिर DHA मुल्तान के कोई भी आप साइजेस हों, 5 मरला हो, 8 मरला हो, 10 मरला, कनाल, 2 कनाल, रोमांजा, कमर्शियल, आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। थैंक यू सो मच।